शेकिनेस आ रही है भाई, साउंड क्वालिटी भी देख लेते, और वाइड एंगल काफ़ी मिल रहा है मेरे को, इतना भाई मेरे को उसमें नहीं मिल पाता। 4K 60 FPS रॉक स्टडी होने, वो भाग के दिखा दूँ आपको मैं। और भाई जमीन आसमान का फ़र्क है यार, मैं इसकी इसको ऑन करते हैं सीधा, यहाँ पर पावर ऑफ डिस्प्ले देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज भाई एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है कुछ, क्योंकि आज आ गया अपना एक्शन कैमरा। तो हाँ जी भाई, आ गया, काफ़ी वेट कर रहे थे इसका, और आने वाले इनसे पहले वाले व्लॉगों में बता दिया था आपको कि ये आ जाएगा, तो भाई वीडियो का इफेक्ट काफ़ी अच्छा बन जाएगा और वीडियो की क्वालिटी भाई एक नंबर होने वाली है। और इसके बाद भाई मेन चीज़ जो अपनी भाई ट्रैवलिंग का एक दो रहा ही फंडा, और कम ही बहुत कम जा पाया हूँ, तो अपनी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट होने वाली है। तो बस वही एक्साइटमेंट बहुत है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। उसके साथ जो माइक मंगाया है वो भी आपको सीधा दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाता हूँ कौन सा मंगाया है मैंने, और जल्दी से भाई अनबॉक्स करते हैं। और भाई बहुत अच्छी डील में मिला है, मैंने थंबनेल देख लिया होगा, जी हाँ उसी प्राइस में मिला है मेरे को। और अभी भी आपको बिल भी दिखा दूंगा, तो आपको लग रहा होगा फेक है, नहीं भाई उसी प्राइस में मिला है मेरे को, और शायद ये अभी तक किसी को मिला भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोई वीडियो देखी नहीं, तो पहले भी वीडियो ही होगी और पहले ही वीडियो में इतना मतलब होगी जिसमें ये भाई इतनी सस्ते में मिला है, इतने कम रेट में मिला है मेरे को। तो बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग करते हैं सीधा, और आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा पूरा फुल की भाई कैसे आवाज़ आ रही है। पहले तो भाई खोल के देख लूँगा ओरिजिनल निकला फेक निकला। चलो पहले अनबॉक्स करते सीधा। सो गाइस, अब करते हैं भाई सीधा इनकी इसकी अनबॉक्सिंग। और ये मंगाया था मैंने इसके लिए माइक मानो का भाई, ये चलता है इसके साथ, और मोटो ब्लॉगिंग के लिए भाई ये सही है फिलहाल के लिए, बाद में कभी आगे स्पोर्टर आपका चेंज करेंगे। और सबसे पहले बस सीधा गोप्रो की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए भाई हम पकड़ेंगे अपना देसी हथियार, बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं भाई, छोटी चीज़ें यूज़ नहीं करते, और सीधा करते हैं इसका अनबॉक्स। और काफ़ी तेज है भाई, इसका अनबॉक्स कर दिया। सबसे पहले क्या आता है भाई, बिल आता है। तो बिल आपको मैं दिखाया था, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो इधर देख लो, इधर फट रखा है भाई, ये दिखेगा नहीं आपको इसमें, तो आपको मैं सीधा इसमें दिखाता हूँ। यहाँ देख लो भाई कितना लिख रखा है, 16,990। जी हाँ इतने का ही पड़ा है मेरे को ये। और अब निकाल के सीधा अपना GoPro, इसको रखते हैं साइड में, इसको भी रखते साइड। तो ये है भाई अपना एक्शन कैमरा DJI Osmo, और कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये चीज़ मैंने पहले देखी है, ऐसे सेलर का हुआ, 1 ईयर वारंटी इंडिया कुछ ऐसा है। और पीछे आपके स्पेसिफिकेशन दे देंगे, रॉक स्टेडी मोड वगैरह। और जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, अच्छे ही निकले। ये बस खाली, ये देखो ये खाली लगा रखा था, बस इसको कट करते हैं सीधा। ये आ गया अपना Osmo, इसको यहाँ से खोल लेते हैं। अच्छा, ओरिजिनल का आपको पता करना होगा, तो ओरिजिनल यार स्प्लैश ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे स्प्लैश देख लेना, स्प्लैश होगा किसी में, स्प्लैश आ रहा है नहीं आ रहा, पर वो भी कह रहे हैं कि ओरिजिनल ही होता है। बाकी Osmo DJI देख लेना आप, और आप भाई इसको खोल लेते हैं, तो कुछ ऐसा खोल के दिखाया मेरे को, तो ये क्या इसका प्रोडक्शन हो गया। तो ये रहा अपना कैमरा, कितना छोटा सा यार, वो कितना छोटा सा लगता बड़ा है, जिसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या। और इसके अंदर होगा आपका अटैचमेंट्स होगी इसके अंदर, साइड से खोल के नहीं, इसके अंदर है आपकी बैटरी, ये बैटरी क्या है, हाँ ये बैटरी, बैटरी देख लो गाइस कितनी छोटी है इसकी, तो ये इसकी बैटरी है, तो इसको रखते हैं साइड में। और क्या मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको ये मिलता है, ये इसका चार्जिंग पॉइंट का केबल होगी, चार्जिंग केबल जो भी है, एक बार देख लेते इसको भी। अच्छा, ये इसके अटैचमेंट्स हैं आपके माउंटिंग करने के लिए, माउंटिंग का वीडियो आपको बता दूंगा मैं, इसका भी बता देंगे माउंटिंग कैसे करनी है। और ये कुछ माउंटिंग्स है, ये भी कुछ माउंटिंग्स है, और क्या मिलता है आपको, और यहाँ पीछे की साइड कुछ है क्या। अच्छा, और यहाँ पर भाई अंदर इसकी मैनुअल मिल जाएगी आपको, इसका कोई काम का नहीं है, और कुछ नहीं मिलता आपको बॉक्स में। और इसको भी रखते साइड में, और अब इसको देखते हैं कैमरे को। तो ये आपका कुछ कैमरा इस तरीके का,
ओजमो एक्शन कैमरा लिख रखा है इसमें, और ये पहले से केसिंग के अंदर आता है, तो इसको खोलते हैं पहले। यहाँ से खुले भाई, अच्छा यहाँ से खुल गया, ठीक है यहाँ से उपलोड के यहाँ से निकालेगा। सो ये ऐसे कुछ ऐसे निकल गया बाहर भाई, और ये ऐसे इसके वाटर प्रूफ तो नहीं, क्योंकि यहाँ से तो है वाटर प्रूफ तो भाई, और पहली बात ही वाटर प्रूफ है पूरा आपका, अगर एडिशनल माइक ना लगाओ। और सीधा आप इसके अंदर डालते हैं बैटरी इसकी, और इसको चालू करके देखते हैं बैटरी क्या जल्दी आ गया। तो बैटरी का सीन रहने वाला ऑरेंज पार्ट आपका नहीं दिखेगा, और अगर ऑरेंज पार्ट आपका दिख रहा है तो आपकी बैटरी ढंग से नहीं लगी, तो ये देख लेना। और जल्दी से इसको पील करते हैं, आवाज़ सुन लो भाई कि दिस स्मूथ है, और स्किन प्रोटेक्शन भी लगाएंगे इसका बाद में, और इसकी उतार देते हैं अभी फिलहाल, और इसकी उतार देते हैं, और अब इसको ऑन करते हैं सीधा। यहाँ पर पावर ऑफ डिस्प्ले देखा, तो लैंग्वेज सेट करने के लिए इसको मैं सेटअप करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो चालू हो गया, कुछ ऐसे दिखता है यार, और 1% बैटरी है, जल्दी बैटरी खत्म होने वाली, इसको चार्ज करना पड़ेगा। बाकी इसको सीधा टेस्ट करेंगे ऊपर चल के, आपको एक वॉइस टेस्ट दिखा दूंगा क्या है इसका, और बाकी बैटरी का मैं बैटरी चार्ज लगाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। और बाकी ये भाई वाटर प्रूफ है, 11 मीटर के अंदर आपका जा सकता है आराम से, तो इसको रखते हैं जल्दी से चार्ज करते हैं। सो गाइस अब सीधा वहाँ से ऊपर आ गया, और भाई काफ़ी दिन लग गए मेरे को भाई वो सेटअप करने में गोप्रो DJI, तो उसका ये सीन था यार, जो उसमें जो मेमोरी कार्ड था भी आपको दिखाता हूँ कौन सा था मेरे पास। मेरे पास अल्ट्रा वाला था सैंडिक्स का, मेरे को लगा चल जाएगा भाई, वो नहीं चला बिल्कुल भी, और एक्सट्रीम लगता है भाई उसमें, पता था मेरे को, मैंने सोचा चल जाएगा नहीं चला, और एक्सट्रीम भाई कहीं नहीं मिला भाई, जो मेरे आसपास नेहरू प्लेस है भाई वहाँ तक नहीं मिला एक्सट्रीम, तो बड़ी मुश्किल से फिर ऑनलाइन मिला था अभी, तो भाई वो ऑर्डर किया था, तो अभी अभी जस्ट आए ही, और मैं सीधा ऊपर आ गया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। शाम के 6 बजे होंगे भाई, अभी भी थोड़ा धूप है, सनसेट हो रहा है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा मेमोरी कार्ड है एक्सट्रीम का मंगाया, और इसको डाल के फिर टेस्ट करते हैं GoPro की कि क्या साउंड वगैरह आती है उसकी, और कैसा क्लियर वगैरह साउंड, क्या साउंड टेस्टिंग करते हैं भाई, इतने दिन हो गए अभी तक साउंड टेस्टिंग ही नहीं हुई इसकी। सो गाइस ये मंगाया था मैंने, खोल के देख लिया भाई, इसमें एक तो फेक पंती बहुत है, तो इसलिए मेरे को पहले चेक करना पड़ा कि इसका कैसा सीन है, तो अभी भी डिलीवर हुआ है, खोल के मैंने सब चेक कर लिया, हाँ भाई ओरिजिनल ये है, तो ये देख लो भाई, तो ये सैंडिस्क का एक्सट्रीम A2 मंगाया है, 128 GB मंगाया भाई इसमें, और भाई ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल गया, मतलब डील में मंगाया मैंने, अभी डील चल रही है भाई, तो डील में बहुत अच्छा रेट में मिल गया, और ओजमो की तो डील आपको पता लग गया होगा थंबनेल में देख लिया आपने, कितना अच्छा मिल गया। GoPro भाई ऐसा का ऐसे ही पड़ा है, कब से यूज़ नहीं किया, तो अभी आपको दिखाया था मैं कि इसमें कौन सा कार्ड लग रखा है, ये मैंने इसमें डाला था, बाहर ही निकल रहा भाई, मैं डर गया क्या हो गया, तो ये था भाई अल्ट्रा, फोकस कर ले बस, तो नीचे रख के फोकस करते हैं, तो ये था भाई इसका सैंडिस्क का अल्ट्रा 16 GB भाई, ये इसमें सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, 4K कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब इसमें डालेंगे सीधा ये एक्सट्रीम वाला। सो गाइस ये रहा एक्सट्रीम और ये रहा अल्ट्रा, और भाई जमीन आसमान का फ़र्क है यार, भैंस की एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम प्रो भी भाई वो तगड़ा है, वो बहुत महंगा था, तो एक्सट्रीम सपोर्ट कर जाएगा, अपने को 4K सपोर्ट करना है, तो सीधा इसको डाल देते हैं GoPro में अपने, ये डल गया, इसको करते हैं क्लोज, और इसका टेम्परिंग मंगाए थे भाई मैंने, उसकी वीडियो नहीं बनाई, वो ज़्यादा लंबी खिंचाती, तो सीधा जल्दी बातें बहुत करते हो, एक ऑन करते हैं, तो ये ऑन कर दिया भाई, तो अब यार एक तो शोर यहाँ पर बहुत होगा थोड़ा भाई, बच्चे खेल रहे हैं ऊपर छत पे, तो ये देख लो व्यू, देख लो क्या आ रहा है, और अब इसके बाद आप इसका GoPro से ऑडियो और इसका व्यू एंजॉय करो भाई। सब मैंने इसको ऑन कर लिया, और भाई कोई गिम्बल नहीं हाथ है मेरे, और वो देख लो वाइड एंगल तो बहुत तगड़ा है इसका, और बाकी क्या क्वालिटी आ रही है 1080 पिक्सल में, एक बार को आपको भाग के दिखा देता हूँ, ये मैं भाग रहा हूँ बहुत तकड़ा, ये हिल के भाग रहा हूँ, और भाई फिर भी बिल्कुल नहीं हिल रही वीडियो। अब इसको 1080 पिक्सल में फ्रंट कैमरे में शूट कर रहा हूँ, साउंड कैसे आ रही है और वहाँ कैमरे की बता देना, और यहाँ से भी कैसे आ रही है साउंड, GoPro में आपको दिख ही जाएगी, तो साउंड क्वालिटी भी देख लेते, और वाइड एंगल काफ़ी मिल रहा है मेरे को, इतना भाई मेरे को उसमें नहीं मिल पाता, मोबाइल में नहीं मिल पाता, और विदाउट गिम्बल है, तो भाग के देख लेते हैं, तो देख लो कैसे आ रहा है 1080 पिक्सल है, और अब फिर आपको भाग के दिखा दूँ मैं, तो देख लो भाई शेकिनेस तो मेरे को इतनी लगी नहीं, तो अब इसको करते हैं भाई 4K में टेस्ट करते हैं सीधा 1080 पिक्सल, और इसमें भाई 60 FPS में करेंगे, और पर इसमें रॉक स्टडी ऑफ कर रखा है, तब देखते हैं भाई क्या डिफरेंस आता है, ये मैं भाग रहा हूँ, और भागने से देखते हैं रॉक स्टडी ऑफ करके क्या फ़र्क पड़ता है, शेकिनेस आ रही है भाई। सो गाइस जैसा कि आपने देखा भाई शेकिनेस आ रही है, और भाई हाँ ये अगला दिन है, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की,
तो क्योंकि भाई शोर भी बहुत आ रहा था और बच्चे बच्चे खेल रहे थे तो और अंधेरा भी हो गया था भाई, काफ़ी लेट हो गया था। तो अब भाई आपको बता दो शेकिन एच कितनी आ रही है, देख लिया आपने रॉक स्टडी ऑफ करके, तो रॉक स्टडी ऑन ही रखना आप, तो रॉक स्टडी ऑन करोगे तभी सही रहेगा, इसमें हमेशा ही ऑन रखना उसको। और एक बार आपको 4K का शॉट दिखा लेते हैं फिर इसको वीडियो को क्लोज करते हैं। और माइक की आपको भाई मैं अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं दिखाई माइक की क्योंकि उसको भाई ये वीडियो बहुत लंबी खींच रही है मेरे को लग रहा है, तो इसको हम माइक की अनबॉक्सिंग और माइक की टेस्टिंग हम मोटो व्लॉगिंग के साथ जोड़ेंगे, तो जब हम मोटो उसमें कैमरे में सेटअप लगाएंगे तब उसके साथ जोड़ देंगे, तब देखते हैं फिर, तब आपको देखने में भी मज़ा आएगा कि माइक के क्या टेस्टिंग होते हैं मोटो व्लॉगिंग में जब आप राइड करते हो क्या क्या साउंड आ रही है उसकी। और जल्दी अब आपको मैं 4K का एक बार शॉट दिखा देता हूँ, एक ये 4K में कैसे रिकॉर्डिंग आ रही है, 4K 60 FPS रॉक स्टडी ऑन है, वो भाग के दिखा दूँ आपको मैं, इसमें फिसलन है कहीं और गिर जाओ तो देख लो कैसा आ रहा है, और बैक होके दिखा दूँ एकदम हाथ इधर उधर हिला रहा हूँ, तो काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी स्टेबल होने के साथ साथ तो क्लैरिटी भी अच्छी आ रही है और वाइड एंगल तो एक नंबर का वाइड एंगल है ना, तो व्लॉगिंग भी भाई इससे एक नंबर की होने वाली, व्लॉगिंग भी इसमें इससे ही करा करूँगा आपसे। और बाकी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कैसे मोटो व्लॉगिंग में आपको हेलमेट में सेटअप करना है, क्योंकि भाई इसका भी 2-3 चीज़ें मंगा रखी है मैंने, उसके माउंट्स वगैरह हैं वो मंगा रखे हैं और अडप्टर वगैरह मंगा रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा साइड में इसके अडप्टर लगता है उसके लिए कनेक्ट होने के लिए, वो सब आने वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा, तो स्टे ट्यून। और भाई फॉलो कर लो जो जिसने अभी तक नहीं किया, ऐसे ऐसे वीडियो आती रहेंगी भाई आपके पास, अगर आपने देखना कि सेटअप कैसे करना है कमेंट करो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, और तब आपको बता पाऊंगा मैं कि आपने कैसे हेलमेट में वो सेटअप लगाना है। बाकी भाई वीडियो कैसे लगी हो, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एज यूजुअल बोलता रहता हूँ आपको भाई, करते नहीं हो जो आप लोग तो किया करो, वो मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए भाई मौज लो, नहीं मिल तो खोज लो और खोजे ज़रूर, और बाय।